गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछला वीडियो था जिसमें मैंने 5 क्वेश्चन शेयर्स के सॉल्व किए थे, जो वर्कशीट मैंने फ्लोट की थी। आज के वीडियो में नेक्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर किसी बच्चे ने भी ये 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो उसको अब शेयर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सबसे ज्यादा शॉर्टकट तरीका है जिससे आप शेयर्स में आईएससी बोर्ड में 12 में 12 नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं हम लोग अपना 6th क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेसन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 54,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, पेबल एज फॉलोस: 50 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 10 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैलेंस कितना हो जाएगा बेटा? ₹40 का, ठीक है ना। आगे क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 80,000 शेयर्स, मतलब हमको इश्यू करने थे 54,000 और एप्लीकेशंस आई हैं कितने शेयर्स की भाई? 80,000 शेयर्स की। Full allotment was made to the applicants of 14,000. The remaining applicants were allotted 40,000 shares on pro rata basis. All right. Excess money received with application was adjusted towards some due on allotment and call. ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए हो गया क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे allotment पर भी जा रहे हैं और call पे भी जा रहे हैं, और यही निकालना इस क्वेश्चन के लिए सबसे टेढ़ी खीर होगी। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? विभोर होल्डिंग 1200 shares who belong to the category of applicants to whom full allotment was made, मतलब ये कैटेगरी ए वाला है, पेड द कॉल मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, मतलब कॉल्स इन एडवांस आया है इस क्वेश्चन के अंदर। विदुर हु बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स टू हुम शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस डिड नॉट पे एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन ऑन हिज 400 शेयर्स, विदुर शेयर्स वर फॉरफीटेड आफ्टर द फाइनल कॉल, ऑल द फॉरफीटेड शेयर्स वर लेटर रीइश्यूड एट 110 पर शेयर, मतलब प्रीमियम पर रीइश्यू हो रहा है। हमको जर्नल एंट्री भी करनी है और फिर से इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनानी है। तो भाई पहले कैटेगरी बना के दिखा रहा हूं, कैटेगरी क्या है। कैटेगरी ए क्या कह रही है बेटा? 14,000 जिसने मांगे उसको दे दिए फुल, ठीक है ना। तो 80,000 की एप्लीकेशन आई थी जिसमें से आपने 40,000 का तो सेटलमेंट कर दिया, 14,000 का तो सेटलमेंट कर दिया। अभी कितने बचेंगे भाई उधर? उधर बचेंगे 66,000। और कैटेगरी बी क्या बोल रही है? जिसने 66,000 मांगे उसको कितने दे दिए भाई? 40,000। तो ये कैटेगरी बनाना आया, समझ में आई भाई कहां से आया आपको? क्लियर है? 66 वाले को कितना दे दिए आपने? 40,000। कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई परेशानी कि समझ में नहीं आ रहा सर ये क्या हो रहा है? ठीक है ना भैया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और अब मांगते हैं एप्लीकेशन का अमाउंट। पहली एंट्री देखते हैं, सभी कोई डेट दे रखी है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आज संडे का दिन है तो ये वीडियो आज आपको शाम तक मिल जाएगा, तो बिना पूरा वीडियो देखे प्लीज आप पढ़ाई बंद मत करना। कल का वीडियो देखो, शेयर्स कंप्लीट हो जाएगा कल और आज, दो दिन के अंदर पूरे 12 नंबर मिल रहे हैं आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो भैया एप्लीकेशन आई थी 80,000 शेयर्स की, और बेटा एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है? एप्लीकेशन का अमाउंट है ₹50। तो 80,000 इंटू 50 ये तो हो गया 40 लाख। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और यही वाली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई, टू शेयर अलॉटमेंट, और अगर कुछ पैसा आएगा तो कॉल्स पर भी जाएगा। तो भाई कितने पैसे मिले थे? 40 लाख मिले थे, और हम शेयर्स कितने इशू कर सकते हैं? केवल 40,000। कितने इशू कर सकते हैं भाई, जरा एक बार रीचेक कर लेता हूं, कितने शेयर्स इशू कर सकते हैं? 54,000, माफी, 54,000 शेयर्स ही इशू कर सकते हैं। तो 54,000 इनटू 50 करेंगे तो ये आ जाएगा 27 लाख। अब पैसा निकालना है अलॉटमेंट में कितना जाएगा और कॉल्स पर कितना जाएगा। जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैटेगरी सॉल्व करनी होती है, कैटेगरी मतलब ये वाली कैटेगरी जिसमें प्रोराटा हुआ है। 66 को दिए हैं 40,000, कितना एक्स्ट्रा हो गया? 26,000 पर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितना पे किया गया होगा? 50 रुपीज के हिसाब से कितना पे किया गया होगा भाई? तो पहले तो आ जाएंगे 40, 1, 2, 3, 4, 6, 5, 30, कैरी ओवर 3, 5, 2, 10, 13, 13 लाख रुपए पे किए थे। ये एक्स्ट्रा पैसा है मेरे पास। अभी अलॉटमेंट की कैपेसिटी चेक करते हैं, 40,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं और अलॉटमेंट का रेट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? अलॉटमेंट का रेट दे रखा है ₹10।
भाई मतलब 4 लाख की केवल कैपेसिटी है अलॉटमेंट पर रखने के लिए, और एक्स्ट्रा कितना पड़ा है भाई, 13 लाख रुपीस। तो भाई अलॉटमेंट पर मैक्सिमम कितना रख सकते हो? 4 लाख रुपए ही रख सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पॉइंट है। बच्चे क्या करके आते हैं, यहां पर पूरा बैलेंसिंग फिगर 13 लाख डाल देते हैं और क्वेश्चन कट के 0 मार्क्स मिल जाता है उनको, ठीक है ना। कैटेगरी सॉल्व करनी पड़ेगी। अब जरा चेक करते हैं कॉल्स पर कितना रख सकते हैं। ऑन कॉल्स 40,000 शेयर्स मिले हैं, कॉल्स की कैपेसिटी कितने रुपए की है भैया? कॉल्स है कितने की? हमारा क्वेश्चन में 100 रुपए में 50 रुपए का एप्लीकेशन था, 10 रुपए का अलॉटमेंट था, तो 40 रुपए का हो गया हमारा कॉल्स। 40 × 40, 40,000 × 4, ये कितना आ जाएगा भैया? 4 × 4 = 16, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो मतलब 16 लाख की कैपेसिटी है। कैपेसिटी ज्यादा है, और एक्स्ट्रा कितना बचा? 13 में से 4 तो चला गया अलॉटमेंट पर, तो बचा हुआ 9 चला जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, टू फर्स्ट कॉल, और यहां चला जाएगा 9 लाख रुपीस। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा बेटा लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट क्लास, तो हम लोगों ने पास कर ली है एप्लीकेशन की एंट्री, अब बढ़ते हैं थर्ड एंट्री पर और अलॉटमेंट मांगते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ऑलराइट, तो कैपिटल अलॉटमेंट कितने से मांगेंगे भाई? 54,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का है अलॉटमेंट, तो ये आ जाएगा 5,40,000। ऑल राइट, अब इसकी रिसीव की एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब भाई बहुत ध्यान से देखना, यहां पे अरियर भी हो रहा है और एडवांस भी हो रहा है, तो जरा क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं, क्या लिखा है बेटा। विभोर होल्डिंग 1200 शेयर्स हु बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स टू हुम फुल अलॉटमेंट वाज मेड, मतलब वो जो कैटेगरी ए बनाई थी ना, जिसको 14,000 को 14,000 दे दिए, उस कैटेगरी का है विभोर। तो विभोर के पास कितने शेयर्स थे? 1200 शेयर्स थे। पेड द कॉल मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, मतलब ये कॉल्स इन एडवांस, सॉरी यहां पर मैंने कॉल्स इन एडवांस बेटा डेबिट कर दिया है, माफी चाहता हूं, इसको सही कर लेते हैं फटाफट। कॉल्स इन एडवांस अगली एंट्री में डेबिट होगा, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस। चलो भाई, कॉल्स इन एडवांस में कितना आएगा? विभोर के पास से 1200 शेयर्स, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल कितने रुपीस की है? 40 रुपीस की, तो 12 × 4 = 48,000 उसने दे दिए। अच्छा, अलॉटमेंट पर मिलना कितना था? 5,40,000 मिलना था, जिसमें से पहले ही कितना मिल चुका है जरा बताओगे? 5,40,000 मिलना था, जिसमें से पहले ही कितना मिल चुका है? 4 लाख पहले ही मिल चुका है। तो भाई अभी कितना मिलेगा? 5,40,000 में से 4 लाख पहले मिल चुका, तो अभी कितना मिलना चाहिए? 1,40,000। तो 1,40,000 हमने यहां लिख दिया है, क्लियर है कि नहीं क्लियर? आप चाहो तो यहां पर पूरा 5,40,000 लिख सकते हो और कॉल्स इन एडवांस भी डेबिट कर सकते हो। वैसे भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है, कोई भी गलत नहीं होगा, मगर 1,40,000 मैंने लिख दिया तो भी आपको सीधा सीधा समझ में आ जाना चाहिए। ये 140 कहां से आया है भाई? देखो 5,40,000 मिलने थे ना, अब एप्लीकेशन वाली एंट्री में देखो मैंने एडवांस कितना लिखा हुआ था, 4 लाख पहले ही मिल गया, तो अब कितना मिलना चाहिए? 1,40,000, यही सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके आगे अरियर भी हुआ है, अरियर कैसे हुआ है जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है विदुर एक शेयर होल्डर है हु बिलोंग्स टू कैटेगरी बी, कैटेगरी बी कौन सी थी? जिसने 66,000 मांगे थे उनको 40,000 हम लोगों ने दिए थे। वो क्या बोल रहा है कि हु हैड अप्लाइड फॉर, सॉरी एक बार रीड कर लेते हैं इसको भी, विदुर हु बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स टू हुम शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस डिड नॉट पे एनीथिंग After application money on his 400 shares, मतलब विदुर को allot हुए हैं 400 shares, तो तुम्हें ये निकालना पड़ेगा विदुर को मिलेंगे कितने। तो भाई मैं ये रब कर दे रहा हूं फटाफट से, ये क्या है इसको रब कर देते हैं और विदुर वाला वर्किंग नोट्स करते हैं। विदुर को 400 shares मिले हैं तो मांगे कितने होंगे? कैटेगरी कौन सी थी इसकी? 66,000 को दिए थे 40,000, तो बट ऑब्वियस सी बात है मांगे इसने ज्यादा होंगे, तो न्यूमरेटर को ज्यादा 66,000 था और डिनोमिनेटर को कम है।
सॉल्व करते हैं भैया, कितना आएगा? 30 30 10 10 4 10, तो 660 शेयर्स इसने मांगे थे और इसको मिले थे 400 शेयर्स। तो भैया 660 पर इसने दिया होगा एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन थे ना बच्चा, कितने रुपए का था एप्लीकेशन? एप्लीकेशन था 50 रुपीस का। तो जरा मल्टीप्लाई करो तो दो जीरो तो ऐसे ही आ गए, 6 5 30 कैरी ओवर 3 6 5 30 33, 33,000 उसने पे किए थे और 400 शेयर्स ही मिले हैं, तो उसका बनता कितना है? 450 20,000 एक्स्ट्रा कितना हो गया? 13,000। ये हो गया उसका एक्स्ट्रा पैसा जो कंपनी के पास पड़ा हुआ है। अब मांगते हैं अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मांगते हैं। उसके पास 400 शेयर्स है और 10 रुपए का अलॉटमेंट है, तो कितना आ जाएगा भैया? 4,000 रुपए। अब इसमें से एक्स्ट्रा 13,000 है, तो तुम्हें यह निकालना पड़ेगा इस 13,000 में से कितना एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पर और कितना एडजस्ट होगा उसकी कॉल्स पर। तो भाई यहां में से 13,000 में से तो पूरा 4,000 आप यहां पे यूज कर सकते हो, इसका मतलब अलॉटमेंट पर तो कोई कॉल्स इन अरियर उसका हुआ ही नहीं। फर्स्ट कॉल पर देखो, ऑन फर्स्ट कॉल 400 शेयर थे और 40 रुपए की फर्स्ट कॉल है, तो 16,000 होता है भाई। 13,000 में से 4,000 इस्तेमाल कर लिए, बचे 9,000 को यहां से माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 16 में से आएंगे 7,000। तो फर्स्ट कॉल पर इसकी कॉल्स इन अरियर होगी और अलॉटमेंट पर इसकी कोई भी कॉल्स इन अरियर नहीं हो रही है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आएगा, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी दे रखा है, बहुत ट्रिकी तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी तो दे रखा है। तो भाई यहां पर कॉल्स इन अरियर नहीं आएगा, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। तो यहां पर फाइनली आंसर कितना हुआ? 140 प्लस 48 इज 1,88,000। बहुत सिंपल सी एंट्री है और ये वर्किंग नोट फटाफट से नोट कर लो। अब बढ़ते हैं आगे, और इसके बाद क्या हो रहा है क्वेश्चन में रीड करते हैं बेटा। इसके बाद क्वेश्चन में बोल रखा है फर्स्ट कॉल के बाद, अब चलो फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री हो गई, तो अब फर्स्ट कॉल मांगते हैं शेयर। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है भैया? 54,000 into 40 ये आ जाएगा 21,60,000। फर्स्ट कॉल रिसीव करने की, सॉरी ड्यू करने की एंट्री, आप फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे। सिक्स्थ एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना, कॉल्स इन अरियर डेबिट, कॉल्स इन एडवांस भी डेबिट, बिकॉज एक शेयर होल्डर ने पहले ही पैसे दे रखे थे। टू शेयर फर्स्ट कॉल, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, फर्स्ट कॉल पर मिलने कितने थे आपको? 21,60,000। और अरियर कितने का हो गया? हम लोगों ने यहां निकाला है, अरियर में हो गया 7,000। और एक शेयर होल्डर था विभोर, जिसके कितने शेयर्स थे बेटा? जिसके शेयर्स थे फोर, जिसके शेयर्स थे आपके 12,000, ठीक है ना, 12,000 जिसके, सॉरी 1200 जिसके शेयर्स थे, उसने 48,000 हमको पहले ही पे कर दिया था। तो कॉल्स इन एडवांस में कितना आएगा? एप्लीकेशन वाले अमाउंट में चेक करना, 9,00,000 रुपए हम लोगों को पहले रिसीव हो चुके हैं और विभोर के हमें कितने पैसे रिसीव हो चुके हैं? 48,000। तो 9,00,000 प्लस 48,000 यहां पर आएगा 9,48,000। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। 9,48,000 कहां से आया फिर बता देता हूं, 9,48,000 कहां से आया? 21,60,000 मिलने थे, एप्लीकेशन वाली एंट्री याद करो जहां पर हम लोगों ने एक्सेस रखा था अलॉटमेंट पर और कॉल्स पर। अलॉटमेंट पर एक्सेस आ रहा था 4,00,000 और कॉल्स पर आ रहा था 9,00,000। इसका मतलब क्या है? 21,60,000 में से 9,00,000 हमको पहले ही मिल चुके, वो माइनस कर देंगे, ठीक है ना। और एक विभोर था जिसके पास 1200 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट के समय ही फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया था, तो वो भी माइनस कर देंगे। तो अब रिसीव कितना होगा? 21,60,000 में से 9,48,000 ये माइनस करोगे, 7,000 ये माइनस करोगे, तो आंसर आएगा आपका 12,05,000। तो ये वाली एंट्री भी बहुत बढ़िया है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं इसको करना। आप चाहो तो कॉल्स इन एडवांस ना लिखो, आप डायरेक्टली माइनस करके भी लिख सकते हो, वो भी तरीका बिल्कुल ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है उसमें। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है बेटा कि विदुर के शेयर्स को कर दो फोरफीट, और फोरफीट करने के बाद कर दो रीइशू। तो भाई फर्स्ट कॉल तक हो गया, आप करते हैं विदुर के शेयर्स को फोरफीट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन अरियर।
टू कॉल्स इन अरियर। कितने शेयर्स के उसके पास है बेटा? उसके पास थे बेचारे के पास कितने शेयर्स? 400। उसके पास विदुर के पास थे कितने शेयर्स? 400 शेयर्स। 400 into 100 40,000। और उसकी कॉल्स इन अरियर कितने रुपए की हुई थी बेटा? उसकी कॉल्स इन अरियर हुई थी 7,000 रुपीज की, जो हम लोगों ने निकाली थी फर्स्ट कॉल पर। तो कॉल्स इन अरियर में आ जाएगा 7,000, यहां आ जाएगा 33,000। तो ये तो होगी एक सिंपल एंट्री। आगे बढ़ते हैं और इसके शेयर्स को कर दे रहे हैं रीइश्यू प्रीमियम पर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितने शेयर्स को रीइश्यू किया जा रहा है? हम लोग शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं पूरे 400 110 रुपए में। तो 400 इंटू 110 तो 11 4 40 4, 1 2 3 1 2 3, 40,000 4,000। क्लियर है भैया? आगे बढ़ते, रीइश्यू हो गया। अब निकालते हैं कैपिटल रिजर्व। नाइन्थ की एंट्री, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा, जितने फोरफीट किए उतने ही रीइश्यू कर दिए, तो ज्यादा लफड़े वाला क्वेश्चन ही नहीं हुआ ये, ठीक है ना भैया? तो 33,000 में से यहां पर तो कोई शेयर फॉर फीचर है नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा? 33,000। समझ में आई बात? तो इसका कैपिटल रिजर्व 33,000 आएगा। तो जितने क्रैश कोर्स वाले बच्चे थे, उनका क्वेश्चन अगर सही हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और जब कहीं कुछ गलत किया था आपने तो एक बार चेक कर लीजिएगा। अब इसकी बैलेंस शीट बनानी है, वो भी देखते हैं फटाफट। ऑल राइट क्लास, तो बढ़ते हैं इसके बैलेंस शीट के पोर्शन में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था। इसका बैलेंस शीट का पोर्शन बहुत ही छोटा है, ज्यादा कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो भाई इस क्वेश्चन में हमको ऑथराइज और ये सारी चीजें नहीं दे रखी थी। इधर बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया है, इधर नोट्स अकाउंट का फॉर्मेट बनाया बेटा। तो ऑथराइज में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है ना? साथ में इशूड कितने शेयर्स किए थे? इशू किए थे 54,000 शेयर्स। तो 54,000 शेयर्स कितने के थे? 54,000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच। 54,000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच, तो कितना आ जाएगा? 54 लाख। आगे बढ़ते, सब्सक्राइब, और सारे ही शेयर्स हम लोगों ने सब्सक्राइब करवा लिए, चाहे उसको रीइश्यू में सब्सक्राइब करवा लिया। तो फुल्ली पेड अप भी कितना आ जाएगा? 54,000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच, तो ये आ गया हमारा 54 लाख। और इस वैल्यू का यूज करना है रिजर्व्स एंड सरप्लस में। क्या आएगा? सबसे पहले तो कैपिटल रिजर्व, जो हम लोगों ने लास्ट में निकाला था। कैपिटल रिजर्व कितने का था भैया? कैपिटल रिजर्व था 33 का, आई गेस। चेक कर लेता हूं एक बार। कैपिटल रिजर्व था हमारा 33, बिल्कुल ठीक। और उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम पे हमने रीइश्यू किया था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 4,000, तो ये हो गया 37,000। तो भाई शेयर कैपिटल में यहां नंबर वन लिखेंगे 54 लाख, फुली पेड अप थे सारे। रिजर्व एंड सरप्लस में लिखेंगे नंबर टू, और यहां लिखेंगे 37,000, ठीक है ना? कैश एट बैंक में कितना आएगा? कैश एट बैंक का चाहो तो आप सारे बैंक वाले चीजें ऐड कर लो, वरना वो इन दोनों का समेशन ही आ रहा है 54 लाख 37,000। चेक भी कर सकते हैं आप लोग, ये कैश एट बैंक हो जाएगा, और यहां लिखेंगे आप एंट्री नंबर थ्री 54 लाख 37,000। अगर आपके क्वेश्चन में कभी भी शेयर से क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने को आती है, तो बहुत टिपिकल बैलेंस शीट नहीं आएगी, बिकॉज बैलेंस शीट का अलग से भी क्वेश्चन आता है। पहली बात तो चांसेस ही कम होते हैं बैलेंस शीट आने के, लेकिन अगर बैलेंस शीट आ रही तो बहुत सिंपल आएगी, इतने ही आइटम मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो भाई साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और एंट्री तो पास कर रहे हैं लेकिन बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, तो भाई ऐसा मत करिए, मैं भी आपके साथ साथ बैलेंस शीट बना रहा हूं, तो आप भी बनाओ। एटलीस्ट इन 10 क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन में भी बैलेंस शीट आई है वो तो प्रैक्टिस कर लो भाई, जल्दी से नोट करो, और बढ़ते हैं बहुत जल्दी। ऑल राइट क्लास, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, और इसमें भी बैलेंस शीट बनानी है भाई। तो इसकी बैलेंस शीट तो मैं नहीं बना रहा, इसकी बैलेंस शीट को आपको बनाना है, इंस्टाग्राम की स्टोरी पर शेयर करना है और मुझे टैग करना है, मैं वहां से चेक करूंगा कितने बच्चों ने इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाई है। हालांकि इसकी बैलेंस शीट भी बिल्कुल सेम है भाई जितना जो मैंने पिछला वाला क्वेश्चन किया है, लेकिन आप ऑन द अदर साइड इसको जरूर करना और मुझे बताना, मैं इसका टोटल बता दूंगा कि बैलेंस शीट का कितना आ रहा है इसी वाले वीडियो के अंदर, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लाइमेक्स लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 40,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। 40,000 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, प्रीमियम पे इशू किया है 2 रुपए के। फिर क्या बोल रखा है, एप्लीकेशन है 2 रुपए का, अलॉटमेंट 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 3+2 हो गया,
अलॉटमेंट पर। फर्स्ट कॉल पर है 2 रुपए और सेकंड कॉल पर भी है 3 रुपए। एप्लीकेशन पर रिसीव फॉर 60,000 शेयर्स, 40 इशू कर रहे थे, 60,000 की एप्लीकेशन आई है। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 48,000 को ही प्रोराटा अलॉटमेंट किया गया है, वाइल द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर रिजेक्टेड, बाकी के पैसे वापस कर दिए हैं भाई। अमर टू हुम 1600 शेयर्स वर अलॉटेड डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। अकबर टू हुम 2000 शेयर्स वर अलॉटेड डिड नॉट पे द टू कॉल्स, शेयर्स ऑफ अमर एंड अकबर वर फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर सोल्ड टू एंथनी एज फुल्ली पेड अप एट 8 पर शेयर, शो द जर्नल एंट्रीज। और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है भाई, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, एकदम ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ स्कूल ये क्वेश्चन है, तो ज्यादा परेशानी होने वाली बात नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से कैटेगरी बना लेते हैं। कैटेगरी ए क्या कह रही है, 48,000 वाले को दिया है 40,000, और कैटेगरी बी बोली है रेस्ट को निल, रेस्ट कितना हो जाएगा 12,000, 12,000 को दे दिया निल। ये समझ में आया 12,000 कहां से आया, 60,000 की एप्लीकेशन आई थी जिसमें से 48 का तो प्रोराटा कर दिया, 12,000 को वापस कर दिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से पहली एंट्री पास करते हैं। यहां क्वेश्चन में डेट वगैरह कुछ भी नहीं दे रखी है, तो नंबर वन नंबर टू डाल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको सब कुछ क्लियरली दिख रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने शेयर की एप्लीकेशन आई थी 60,000 की, और एप्लीकेशन का रेट कितना दे रखा है भाई, एप्लीकेशन दे रखी है 2 रुपए की, तो 60,000 इंटू 2 120,000। अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक, मतलब वापस करना है और एक्स्ट्रा पैसा आएगा अलॉटमेंट पर, टू शेयर अलॉटमेंट 120,000 रुपए आए। हम शेयर्स कितने इशू कर सकते हैं 40,000, तो 40,000 इंटू 2 तो 80,000, तो यहां आ जाएगा बच्चा, लोग वापस कितना कर रहे हैं 12,000 इंटू 2 24,000 वापस कर दिया, जितना बचेगा अलॉटमेंट पर चला जाएगा, क्योंकि यहां पर ये नहीं बोला है कि एक्स्ट्रा पैसा आपको अलॉटमेंट पर भी रखना है और कॉल्स पर भी रखना है, तो एक्स्ट्रा कितना बच रहा है भाई 8,000 इंटू 2 16,000 रुपए। ये हो गई हमारी एप्लीकेशन की एंट्री, तो थोड़ा सा फास्ट हूं, अगर आपको लगे कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। आगे अलॉटमेंट मांगने की एंट्री करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और अलॉटमेंट कितने रुपए का है 5 रुपए का, शेयर कितने इश्यू करने थे 40,000 इंटू 5 तो ये आ जाए 4 5 20 1 2 3 4 1 2 3 4 0 2,00,000 रुपए, और शेयर कैपिटल में कितना रखेंगे 40,000 इंटू 3 120,000 रुपए, और 40,000 इंटू 2 80,000 का हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं एंट्री नंबर 4 पर, रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर डेबिट। अच्छा, अब मैं चाहूं तो ये कॉल्स इन एडवांस भी डेबिट कर सकता हूं या सीधा माइनस करके भी ले सकता हूं। पिछले क्वेश्चन में सीधा माइनस करके सिखाया था, एक क्वेश्चन में मैंने आपको एंट्री डेबिट करके सिखाई थी, आप चाहो तो सीधा माइनस करके लिखो, आसान पड़ता ज्यादा। तो टू शेयर अलॉटमेंट तुम्हारी चॉइस है, मैंने दो तरीके से बता रखा है आपको भाई। देखो अलॉटमेंट मिलना कितना चाहिए था 2,00,000 रुपीज, अलॉटमेंट पहले कितना मिल चुका है 16,000, तो अभी कितना मिलेगा 1,84,000। अभी 1,84,000 में भी कुछ कॉल्स इन अरियर हो गए हैं, क्या कॉल्स इन अरियर हुए हैं जरा फटाक से देखते हैं कि ये अरियर कितने रुपए के हैं। क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन में, अमर टू हुम 1600 शेयर्स वर अलॉटेड, एक अमर था जिसको 1600 शेयर्स अलॉट हुए थे, डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। अच्छा देखो 1600 शेयर्स अलॉट हुए थे, इसी कैटेगरी का है बिकॉज ये तो निल हो रहा है, तो 1600 शेयर्स अगर इसको अलॉट हुए थे तो मांगे इसने बट ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होंगे, तो 48,000 डिवाइड बाय 40,000 सॉल्व करते हैं भाई इसको, 4 4 16 40, तो ये कितना आ जाएगा 8 4 32 करियो 3 4 4 16 17 18 19 1920। इसने शेयर्स कितने मांगे होंगे भैया 1920 शेयर्स इसने मांगे होंगे। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ रही है, तो 1920 पे इसने एप्लीकेशन हमको दिया होगा 2 रुपए के हिसाब से, कितना बनता है इसका 0 4 18 2 1 2 1 3 3 8 4 0 का इसने मुझे एप्लीकेशन दिया था, और इसको शेयर्स कितने मिले हैं 1600,
इसके बनते थे 3200, तो एक्स्ट्रा कितने पड़े हैं कंपनी के पास 640, ये आ गया एक्स्ट्रा। अब बढ़ते हैं जरा अलॉटमेंट पर। ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मांगो भैया, इसके पास 1600 शेयर्स थे, अलॉटमेंट कितने रुपए का है, 5 रुपए का अलॉटमेंट है, 16 × 5 = 80 होता है, और ये हो गया 8000। और इसके पास एक्स्ट्रा कितने पड़े थे, 640 माइनस कर दिया तो ये आएगा 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 7360 रुपीज। तो हमारे पास अरियर कितने का हुआ है, 7360। तो 1,84,000 में से 7360 भी नहीं मिले तो कितने मिल जाएंगे, 7360 माइनस करेंगे तो ये आएगा 176640। आप लोग भी अपने कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। तो अगर कोई सीबीएसई वाला मेरा वीडियो देख रहा है तो उनके वहां तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक। तो ये समझ में आ गया आपको कहां से आया है अमाउंट, क्लियर है भाई, समझ में आएगी एकदम चीज, ये तो समझ में आ गया होगा भाई, इतने दिनों से कर रहे हैं, अब तो ये क्लियर हो गया, हो जाना चाहिए। चलो भाई इसको रब करता हूं, अगर आप नोट कर रहे हो तो पॉज कर लीजिएगा वीडियो, आगे बढ़ते हैं। और अब मांगते हैं हम लोग फर्स्ट कॉल। तो चलो भाई फर्स्ट कॉल मांगने की बात आ गई है, तो एंट्री नंबर है 5 शेयर फर्स्ट कॉल। आप प्लीज इक्विटी लगा लीजिएगा इसके आगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल लिख लेना, वरना कोई ऐसा टीचर मिल गया तो फर्जी नंबर काट देगा आपके। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब 40,000 इंटू फर्स्ट कॉल कितने की है, जरा चेक कर लेते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन में। फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है, सिंपल, 40,000 इंटू 2, 80,000 रुपीज के कॉल पे आपने ड्यू किया। 6th एंट्री करते हैं रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल कितने मिलने थे, 80,000 मिलने हैं। अभी अरियर देखो यहां पर कितने लोगों की हो गई, एक शेयर होल्डर था जिसका नाम है अमर, उसने तो पैसे नहीं दिए, तो अमर ने कितने नहीं दिए, अमर के पास है 1600 शेयर्स, फर्स्ट कॉल है हमारी 2 रुपए की, तो इसने 3200 नहीं दिए। और भाई एक अकबर जी भी है, और अकबर जी ने क्या कारनामे किए हैं जरा चेक करते हैं। अकबर जी क्या बोल रहे, अकबर टू हुम 2000 शेयर्स वर अलॉटेड, मतलब उनके पास भी 2000 शेयर्स हैं, डिड नॉट पे द टू कॉल्स, इन्होंने 2000 शेयर्स पे पैसा नहीं दिया, मतलब कितना नहीं दिया, 4000। तो टोटल कितना पैसा नहीं मिला, 7200 नहीं मिला, 80,000 मिलना था, 7200 नहीं मिला, तो कितना मिल जाएगा, माइनस कर लो 72,800। तो ये वाला सिंपल सा कैलकुलेशन आपको करना था और फर्स्ट कॉल की भी एंट्री हो जाएगी। तो भाई ये रब करता हूं और आगे बढ़ते हैं सेकेंड कॉल की एंट्री पर, ठीक भाई। सेकेंड कॉल जरा देखिए कहां से आएगी, पहले मांगते हैं 7th एंट्री, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी सेकेंड कॉल भी कितने रुपए की है भाई, सेकेंड कॉल भी है 3 रुपए की, सेकेंड कॉल 3 रुपए की है, तो 40,000 × 3 1,20,000 रिसीव करें। 8th एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल, सेकेंड कॉल पे मिलना कितना था बेटा, 1,20,000 मिलना था, अभी कितना नहीं मिला यहां पर मैं आपको सॉल्व करके दे दे रहा हूं भाई, बताना। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 1600 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, 4800। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 2000 शेयर्स थे, उसने नहीं दी, कितना हो जाएगा, 6000। टोटल कितना नहीं मिला, 10,800 नहीं मिला। तो 1,20,000 से 10,800 माइनस करोगे तो यह आएगा 1,09,200, 1,09,200, और यहां तक आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए भाई, जल्दी से नोट करो यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं और इनकी एंट्रीज करते हैं फोर फीचर की, ठीक है भाई। तो इधर मैं रब कर रहा हूं और फोर फीचर करके दिखाता हूं, आप चाहें तो फोर फीचर एक साथ कर सकते हैं, आप चाहें तो फोर फीचर दोनों के अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तो साथ में कर दे रहा हूं फोर फीचर, आसान सा है भाई, तो आप चाहो तो अलग अलग कर दो, कोई अगर बिगिनर है तो उसको अलग अलग करेगा ज्यादा बेटर रहेगा वैसे,
या मैं इस पर समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं समझ में आएगा तो कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करना, अलग से भी बता दूंगा। तो एंट्री नंबर 9, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल सिनेरियो। अब दो शेयर होल्डर हैं, एक शेयर होल्डर ने तो अलॉटमेंट नहीं दिया था, मतलब उसका प्रीमियम नहीं मिला होगा, एक शेयर होल्डर ने तो अलॉटमेंट दे दिया था, उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिए, तो टोटल फोरफीट कितने कर रहे हैं, 1600 इसके 2000 इसके, तो कितना अमाउंट आएगा 3600 इनटू 10 36000। अच्छा प्रीमियम किससे नहीं मिला है, केवल 1600 वाले से प्रीमियम नहीं मिला है, तो 1600 इनटू 2 3200, ये 3200 समझ में आया। अच्छा कॉल्स इन अरियर कितना हुआ है जरा बताओ, कॉल्स इन अरियर हुआ था अलॉटमेंट के समय 7360, फर्स्ट कॉल के समय 7200 और सेकंड कॉल के समय 10800। अगर आप इन तीनों को ऐड कर दोगे तो ये आ रहा है बेटा 25360। तो और शेयर फॉर फ्यूचर में क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर, इन दोनों को ऐड करो इससे माइनस कर दो, ये आ रहा है 13840 समझ में आया कहां से अमाउंट निकाला है हम लोगों ने, शेयर कैपिटल में 3600 शेयर्स हम लोग फोरफीट कर रहे हैं ना, 1600 पहले शेयर होल्डर के 2000 दूसरे शेयर होल्डर्स के, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 36000। प्रीमियम किससे नहीं मिला है, केवल पहले शेयर होल्डर से 1600 इनटू 2 3200। कॉल सिनेरियो कहता हुआ अलॉटमेंट के समय जो कॉल सिनेरियो हुआ, सेकंड कॉल पे और फर्स्ट कॉल पे जितना भी कॉल सिनेरियो हुआ उनको ऐड कर दिया तो ये आ गया, और बैलेंसिंग फिगर से ये आ गया, सिंपल। अब रीइशू कर रहे हैं जरा देखो, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा रीइशू कितने पे कर रहे हैं, रीइशू क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि सारे शेयर्स को हम लोग रीइशू कर रहे हैं, ऑल द फोरफीटेड शेयर्स पर रीइशू टू एंथनी एज फुल्ली पेड अप फॉर 8 पर शेयर, मतलब 10 की चीज को 8 पे लॉस यानी डिस्काउंट पर दे रहे हैं, तो यहां पर फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री पास होगी। कितने शेयर्स को रीइशू किया जा रहा है, 3600 को रीइशू किया जा रहा है 8 रुपए पर, लॉस कितने का 3600 इंटू 2 और 3600 इंटू 10, ये आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके ना लिखो वो भी चल जाता है, लेकिन मैं आसान करने के लिए लिखने की कोशिश करता हूं भाई, तो ये आ जाएगा 36000, आई होप ब्लू पेन से दिख रहा होगा आपको, 7200 और बैलेंसिंग फिगर आएगा 28800। ऑल राइट आगे बढ़ते हैं भैया, और आगे हम लोग एंट्री पास करने आ रहे हैं कैपिटल रिजर्व की, एंट्री नंबर 11, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहां पे फोरफीचर कितना था 13840, यहां कितना है 7200, दोनों को माइनस कर दो कितना आएगा 6640। तो अब जाके हुआ है ये क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के साथ बैलेंस शीट भी बनानी होगी, और बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 483400, मैं लिख देता हूं 483400, जिसका भी बैलेंस शीट का आंसर मैच करेगा तो वो उस फोटो के साथ मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना, इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी भाई, तो देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन करेंगे और बैलेंस शीट के साथ मुझे टैग करके बताएंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, तो अब हमारे हो गए हैं 2 क्वेश्चन, बचे हैं 3, बहुत जल्दी ये भी क्वेश्चंस करते हैं, बढ़ते हैं आगे, नोट करिए। ऑल इन क्लास, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 क्या कह रहा है, सनसेट लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 11000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच टू बी इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो 10% प्रीमियम कितना हो जाएगा भैया, 100 रुपए का 10% इज 10 रुपीज। फिर क्या दे रखा है, पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 25 रुपए, अलॉटमेंट पर 50 और इंक्लूडिंग प्रीमियम, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 35। Applications were received for 10,000 shares. अच्छा देखो ये हो गया under subscription. 11,000 shares issue करना चाह रहे थे, लेकिन issue कितने हुए? केवल और केवल 10,000. 10,000 shares and all shares were accepted. The amount due were received except the first and the final call on 100 shares on which were forfeited. Out of these 60 shares were reissued at 90 per share. अभी हमको ये question में क्या करना है? एंट्रीज पास करनी है, बैलेंस शीट बनानी है, और क्वेश्चन में अकाउंट बनाने को भी बोला है, लेकिन अकाउंट और लेजर हमारे साल सिलेबस में नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन में आपको पूरी एंट्रीज और बैलेंस शीट भी बना के दिखाऊंगा, बिकॉज थोड़ी सी बैलेंस शीट पिछले क्वेश्चन से अलग है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से जरा एंट्री पास करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 8, वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर है 8।
तो चलो पहली एंट्री मैं करने जा रहा हूं। पहली एंट्री क्या है, कितने की एप्लीकेशन आई है, 10,000। तो पूरा क्वेश्चन 10,000 से ही होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितनी एप्लीकेशन है, 10,000 और एप्लीकेशन है 25 रुपए का। तो 10,000 × 25 तो 25 1, 2, 3, 4 1.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। सेकेंड एंट्री देखते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहां पर तो कुछ प्रोराटा है नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है बेटा, कुछ भी टफ नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने को दे रखा है, बस यही थोड़ा ट्रिकी है। तो अभी मांगते हैं अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट कितने रुपए की है, 50 रुपए की, तो 10,000 × 50 तो ये आ गया 5 लाख रुपए। प्रीमियम कितने रुपए का है भाई, प्रीमियम है हमारा 10 रुपए का, तो यहां आ जाएगा 4 लाख और यहां आ जाएगा 1 लाख। अब बात करते हैं फोर्थ एंट्री की, रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, कॉल्स इन अरियर भी कुछ हुई है, जरा वो भी रीड कर लेते हैं। और यहां पर कितने शेयर्स ने पैसे नहीं दिए हैं, द अमाउंट बट रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो अलॉटमेंट पर कोई भी कॉल्स इन अरियर नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, भाई याद रखना इक्विटी शेयर लिख देना बेटा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ऐसी गलती मत करना। तो 5 लाख, 5 लाख, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, ये वाली भी एंट्री हो गई। अब मांगते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो है 35 रुपीज की, एंट्री नंबर 5, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, या केवल फर्स्ट भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और ये कितने का है, 10,000 × 35, तो ये हो गया 3,50,000। और आगे रिसीव करते हैं ये वाली अमाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और एक शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए हैं, तो कॉल्स इन अरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितने पैसे मिले थे, 3,50,000। और कॉल्स इन अरियर कितना हो गया, कितने शेयर्स ने पैसा नहीं दिया है, एक शेयर होल्डर इसके पास 100 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, तो 100 × 35, तो 3,500 रुपीज नहीं पीले, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 35 में से 3 चलाएगा 32, तो ये आ जाएगा कितना, 3,46,500, 3,46,500। ये हो गया भैया एंट्री हम लोगों की फर्स्ट कॉल तक। अब कर रहे हैं फोर फीचर की एंट्री, देखिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर टू कॉल इन अरियर, तो ये है बड़ा आसान क्वेश्चन भाई, जरूरत से ज्यादा आसान क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, लेकिन वर्कशीट में इसलिए कराना पड़ेगा। तो भैया 100 शेयर्स को फोरफीट कर रहे हैं, जिसमें पूरा कॉल्ड अप था, पूरा कॉल्ड अप मतलब 100 रुपीज, तो ये आ गया 1 लाख, शॉर्ट में लिखा हूं क्योंकि जगह नहीं है। कॉल इन अरियर कितने की हुई है, 3,500, तो यहां कितना आ जाएगा, 96,500, यहां आ जाएगा 96,000, 1 लाख तो नहीं आएगा, सॉरी 1 लाख लिख दिया गलती से, ये आ गया 10,000, माफी, 100 × 100 10,000 में से 3,500 माइनस कर देंगे तो बहुत आसान 6,500 आ जाएगा, एक जीरो ज्यादा लगा दिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, एट एंट्री करते हैं, री इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पे री इशू हो रहा है, क्वेश्चन में री इशू हो रहा है 60 शेयर्स री इशू हो रहे हैं 90 पे, मतलब 10 रुपए का डिस्काउंट है। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने पे री इशू कर दिया भाई, 60 शेयर्स री इशू कर रहे हैं ना, 60 शेयर्स री इशू कर रहे हैं 90 पर, तो 60 × 90 लॉस कितने का, 60 × 10 और 60 × 100, तो यहां पर तो आएगा 6,000, यहां पर आएगा 5,400 और यहां पर आएगा 600, क्लियर है भैया, यहां तक बात समझ में आ गई। अब जरा कैपिटल रिजर्व की भी एंट्री पास करते हैं, देखो भैया कैपिटल रिजर्व की एंट्री देखो भैया, एंट्री नंबर 9,
forfeited shares account debit to capital reserve. कितना फॉरफीट कितने किए 100 शेयर्स, अमाउंट कितना था 6500, 1 पर कितना 6500 अपॉन 100 और रीशू कितने 60, तो ये कितना आ जाएगा 600650 30 कैरी ओवर 3 6 36 37 38 39, तो 3900 में से अब आपको कितना माइनस करना है 600 माइनस करना है, तो आएगा आंसर 3300। ये आ गया आपका कैपिटल रिजर्व का अमाउंट 3300। सिंपल क्वेश्चन था, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। अब जल्दी से बनाता हूं इसकी बैलेंस शीट। ऑलराइट क्लास, बहुत जल्दी से देखते हैं इसकी बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने ड्रॉ कर रखा है, आइए देखते हैं कि कैसे कैसे इसकी बैलेंस शीट बनने वाली है। ऑथराइज कुछ दे रखी है क्या? ऑथराइज हमें कुछ भी नहीं दे रखी है, तो कोई भी अमाउंट नहीं आएगा। इशूड कितना दे रखा है? ये कंपनी इशू करना चाहती थी 11,000 इक्विटी शेयर्स और एक शेयर्स कितना था 100 रुपए का, तो यहां पर कितना अमाउंट आएगा बेटा 11,00,000 रुपए, लेकिन इसका भी कोई भी यूज नहीं है हमें टोटल में। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में और फुल्ली पेड अप में कितना आएगा? भाई देखो, हमने क्या किया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, 10,000 शेयर्स ही इशू हुए थे हमारे, 10,000 ही शेयर्स सब्सक्राइब हुए थे, जिसमें से 100 शेयर्स का फोरफीचर हुआ, उसमें से 60 शेयर्स रीइशू भी कर दिए, तो हमने फुल्ली पेड अप कितने किए भैया 9900 शेयर्स, तो हम लोगों ने फुल्ली पेड अप किए प्लस 60 शेयर्स हम लोगों ने और फुल्ली पेड अप किए, तो फुल्ली पेड अप कितना आ जाएगा 9960। ये समझ में आया कहां से आया भाई? क्योंकि देखो मैं यहां पे तुमको थोड़ा सा सॉल्व करके भी दिखा दे रहा हूं ताकि इजीली समझ में आ जाए। 10,000 शेयर्स थे ना जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किए थे, जिसमें से 100 शेयर्स हम लोगों ने फोरफीट कर दिए थे, तो कितने बचे 9900, जिसमें से हम लोगों ने 60 शेयर्स को वापस रीइशू कर दिया था, तो कितने हम लोगों ने पूरे पैसे वसूले कितने शेयर से? फुल्ली पेड अप कितना हो गया 9960 शेयर्स को कितने रुपए में वसूला एट द रेट कितना रुपए है 100 ईच, तो ये आ जाएगा 9960, ठीक है ना, 9,96,000, टंग ट्विस्टर हो गया भाई। और इसमें ऐड करेंगे शेयर फोरफीचर, शेयर फोरफीचर कितना आया है भाई? अगर आपने एंट्रीज देखी होगी तो पहली शेयर फोरफीचर का क्रेडिट का अमाउंट आया था 6500, कहां पर लिख के दिखाऊं, यहां पर लिख के दिखा दूं क्या, यहां लिख देता हूं 6500 पहला अमाउंट आया था जो कि क्रेडिट था, फिर डेबिट साइड का अमाउंट था 600, फिर डेबिट साइड का अमाउंट था 3300, तो यहां से आ गया 2600, शेयर फोरफीचर ऐड कर देंगे 2600, तो फाइनली अमाउंट कितना आएगा हमारा 9,98,600। ये लिखना है हमको शेयर कैपिटल में, यहां लिखा फर्स्ट 9,98,600। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आएगा, अभी तक तो बैलेंस शीट बनाना आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग बहुत ही जल्दी, और अगला पॉइंट क्या दे रखा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या आएगा भाई? रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले तो आएगा हमारा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व मतलब जो लास्ट वाली एंट्री में निकाला था वो आ रहा था हमारा 3300, और उसके बाद क्या है हमारा जो शेयर्स हम लोगों ने सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू किए थे वो कितना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व SPR लिख देता हूं वो था 1,00,000, तो टोटल हो गया 1,03,300। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या लिखेंगे, कैश एट बैंक, ये काउंट भी कर सकते हो और यही वैसे टोटल भी आएगा, और ये है कैश एट बैंक में 11,01,900, और यहां लिख देंगे 11,01,900, और यही टोटल यहां पर भी है 11,01,900, और यहां पर भी 11,01,900, और यहां पर क्या लिखेंगे पॉइंट नंबर 3। तो आई होप अब आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट करो और बढ़ते हैं बहुत जल्दी से अगले क्वेश्चन पर। All in class, तो बढ़ते हैं अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर, और ये है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में हमें करनी है फोरफीचर और रीइशू की एंट्री। चार पार्ट का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आ सकता है, तो 12 नंबर का क्वेश्चन ये भी बनने की उम्मीद होती है, वैसे चांसेस कम है, तो लेकिन फोरफीचर रीइशू आप अच्छा सीख जाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। तो चलिए पहला पार्ट रीड करते हैं, ए वाला पार्ट मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, और वो क्या लिखा हुआ है, अलका लिमिटेड इशूड 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 payable as 3 on application, 5 on allotment including premium, 2 on first call, 2 on final call to Harish, ठीक है ना। फिर क्या लिखा है, these shares were forfeited
बाय द कंपनी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ बोथ द कॉल्स 300 ऑफ दी शेयर्स वर री इशूड टू अमर एट 8 पर शेयर. तो अलका लिमिटेड ठीक है, जो एक कुछ मुझे लगता है क्वेश्चन में कहीं हरीश एक्स्ट्रा लिख गया है, ठीक है ना, हरीश को कट कर देना. तो चलो भाई फोर फीचर की एंट्री पास करते हैं फटाफट से. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर टू कॉल्स इन अ ईयर. टू कॉल्स इन अ ईयर. अब जरा देखते हैं कितने शेयर्स फॉरफीट करने के लिए हैं भैया. 500 शेयर्स फॉरफीट करने के लिए हैं और कॉल लक कितना है पूरा 10. तो यहां आ गया 5000. क्या नहीं मिला है, बोथ द कॉल्स नहीं मिली. तो कॉल्स कितने की है 4 रुपए की, 2000 यहां आ जाएगा. बैलेंसिंग फिगर 3000 यहां आ जाएगा. आगे बढ़ते हैं. उसके बाद ये शेयर्स हो रहे हैं रीइशू. कितने शेयर्स रीइशू हो रहे हैं 300. बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया. पहली एंट्री तो ये, दूसरी एंट्री रीइशू की. बैंक अकाउंट डेबिट. और कितने में रीइशू हो रहे हैं भाई, 300 शेयर्स को रीइशू किया जा रहा है 8 पर, फुल्ली पेड अप. तो यहां पर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. 300 शेयर्स को रीइशू कर रहे हैं 8 पर, तो 300 × 8 डिस्काउंट कितने का हो गया 300 × 2 और 300 × 10. तो यहां पर आ जाएगा 2400 600 3000. क्लियर. अब निकालते हैं कैपिटल रिजर्व. फोर फीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन हो गया भाई ये आप लोग के लेवल से. तो कितने शेयर्स प्रॉफिट कर रहे थे 500 पे कितना अमाउंट था 3000. 1 पर कितना होगा 3000 डिवाइड बाय 500 और निकालना कितने के लिए है 300 के लिए. इनटू 300 कर देंगे 1800 आया यहां से. इस 1800 में से ये 600 माइनस करेंगे, आंसर आ गया 1200. बिल्कुल बच्चा चिंटू कैंडी क्वेश्चन था ये करने के लिए हमारे बच्चों के लिए. तो आगे बढ़ते हैं, इसी का करते हैं पार्ट बी यहां पर, ठीक है ना भाई. पार्ट बी क्या बोल रखा है, पार्ट बी बोल रहा है बिना लिमिटेड फॉरफीटेड 200 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप इशूड एट पार ऑन विच 3 पर शेयर वाज रिसीव्ड विद एप्लीकेशंस एंड 3 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट. अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी पेड वाज 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल. आउट ऑफ दीस 100 शेयर्स वर रीइशूड टू विकास एज फुल्ली पेड अप पर 8 पर शेयर. तो भैया अमाउंट टू बी पेड मतलब 2 ऑन फर्स्ट कॉल और 2 ऑन सेकंड कॉल नहीं मिला है शायद इस वाले क्वेश्चन पर. फर्स्ट कॉल कितने का है 2 रुपए का. ठीक. ऑल राइट. चलो भैया फॉरफीट करते हैं. पहले फॉरफीटर की एंट्री पास करते हैं. पहली एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर. ऑल राइट. कितने शेयर्स को फॉरफीट कर रहे हैं यहां पर, शेयर्स जो दे रखे हैं वो है 4 1 मिनट. यहां पर शेयर्स कितने दे रखे 200 × 10. तो यहां आ गया 2000 रुपीज. और इनसे क्या नहीं मिला है बेटा, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के और 2 रुपए सेकंड कॉल के नहीं मिले हैं. तो यहां कितना आ जाएगा 200 × 2 मतलब यहां पे कितना आया 400. यहां कितना आ जाएगा 1600. ये तो हो गए एकदम आराम वाली एंट्री 2 × 2 + 2. अच्छा सॉरी, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के 2 रुपए सेकंड कॉल के मतलब 4. यहां आएगा 800 और यहां आएगा 1200. अगली एंट्री करते हैं रीइशू की. बैंक अकाउंट डेबिट. और कितने शेयर्स को रीइशू कर रहे हैं यहां पर, रीइशू कर रहे हैं 100 शेयर्स को और 8 पर शेयर पर मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट. बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, इतने आसान क्वेश्चन क्यों ही दे दिए मैंने. 100 शेयर्स को रीइशू कर रहे हैं 8 पर, डिस्काउंट आ गया 100 × 2 और 100 × 10. तो 800 200 1000 रीइशू. अब कैपिटल रिजर्व निकालते हैं. फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कैसे निकालेंगे भाई. देखो 200 पे फॉरफीचर का अमाउंट कितना है 1200. 1 पर कितना 1200 डिवाइड बाय 200 और कितने पे निकालना है 100 पर 600. इस 600 में से ये 200 माइनस कर दो तो आंसर आ गया 400. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ रहा होगा. जल्दी से ये नोट करो फटाफट और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर इसी के दो पार्ट में.
ऑलराइट क्लास, तो हम लोगों ने नाइन्थ क्वेश्चन के दो पार्ट कर लिए हैं, अब करते हैं थर्ड पार्ट। सी पार्ट क्या कह रहा है नाइन्थ का, आइए देखते हैं फटाफट से कि सी पार्ट में क्या करना है। सी पार्ट क्या कह रहा है, 400 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच ऑन विच 8 पर शेयर हैज बीन कॉल्ड, 8 रुपए कॉल्ड है एंड 6 पर शेयर वॉज पेड, मतलब 6 रुपए ही मिला है, वर फोरफीटेड बाय सी लिमिटेड, आउट ऑफ दीज 300 शेयर्स वर रीइश्यूड एट 7 ईच एज फुल लिमिटेड। बहुत आसान क्वेश्चन ये भी दे रखा है, तो एंट्री करते हैं पहली शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कितने शेयर फोरफीट कर रहे हैं भाई, यहां पर हम लोग शेयर फोरफीट कर रहे हैं 400 और कॉल्ड अप कितना है, केवल 8 रुपए ही कॉल्ड अप है यहां पर, तो 400 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा 8 4 32 और कितना मिला है 6 रुपए मिला है। यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 6 पेड, इसका मतलब क्या अनपेड हुआ, 2 रुपए नहीं मिले, तो 400 इंटू 2 800 नहीं मिला, तो यहां पर कितना हो जाएगा भैया 2400 बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से। सेकेंड एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट पर इश्यू हो रहा है, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं, 300 शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं 7 पर, तो 2100 यहां पर आ गया। उसके आगे फुल्ली पेड अप लिखा है क्या, हाँ 7 ईच एज फुल्ली पेड अप, मतलब फेस वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो डिस्काउंट हो गया 300 इंटू 3 900 और यहां आ जाएगा 3000। थर्ड एंट्री, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, तो भाई फटाफट से ये भी निकाल देते हैं, 400 शेयर्स फोरफीट किए, अमाउंट कितना आया था 2400, एक पर कितना 2400 अपॉन 400 और 300 पे कितना इनटू 300, ये आ गया 1800। इस 1800 में से 900 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 900। क्लियर, ये भी समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले केस पर, और जो कि नाइन्थ क्वेश्चन का लास्ट केस है डी पार्ट, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या। अब बढ़ते हैं हम लोग नाइन्थ के डी पार्ट पर, नाइन्थ का डी पार्ट क्या कह रहा है, रीड करते हैं क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड फोरफीटेड 50 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 30 पर शेयर, मतलब फर्स्ट कॉल उसने 30 रुपए पे नहीं दी है और फिर सेकंड कॉल ऑफ रुपीज 20 हैज नॉट बीन कॉल्ड, तो 20 रुपए मांगे नहीं है तो कॉल्ड अप हो जाएगा यहां पर 80, ठीक है ना, और 20 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट 80 पेड अप फॉर 30 पर शेयर्स और रीइश्यू भी हो रहा है, तो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से इसका देखते हैं हम लोग डी पार्ट। पहली एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अभी कितने शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं 50 शेयर्स, कितना कॉल्ड अप है 80, तो यहां पर आ जाएगा 4000। कॉल्स इन अरियर कितने का हुआ, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी है, फर्स्ट कॉल कितने रुपीस की है 30 रुपीस की, तो 5 3 15 यहां आ जाएगा और बैलेंसिंग फिगर 2500 यहां आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बात समझ में आ गई सभी बच्चे लोगों को, क्लियर है भाई लोग, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट बिकॉज डिस्काउंट पर इश्यू कर रहे हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं भाई, हम लोग शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं 20, कितने रुपए पे रीइश्यू कर रहे हैं भाई, हम लोग रीइश्यू कर रहे हैं 30 पर शेयर 80 पे, मतलब 80 की चीज को 20 80 की चीज को 30 रुपीज पर रीइश्यू कर रहे हैं, तो 20 शेयर हमने रीइश्यू कर दिए 30 पर और हमारा डिस्काउंट कितने का हो गया 50 रुपए का, तो यहां पर आ जाएगा 3 × 2 600, 5 × 2 1000 और 20 × 80 ये आ जाएगा 1600। क्लियर हो गया भाई, अब निकालते हैं कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व निकाल के देखा जरा कितना आएगा भाई, जरा देखते हैं। थर्ड एंट्री फोर फीटेड शेयर्स और देखते हैं आएगा भी कि नहीं, अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कोई कैपिटल रिजर्व आएगा कि नहीं आएगा, इसीलिए ये वाला पार्ट अच्छा है। 50 शेयर्स को फोरफीट किया तो फोरफीचर का अमाउंट था 2500, एक को कितना करेंगे 2500 अपॉन 50 निकालते हैं, 20 को रीइश्यू कर रहे हैं
तो ये आ गया 5 5 55 1000, यहां पर भी 1000, यहां पर भी 1000, तो दोनों को माइनस करके क्या लिखोगे, जीरो। तो अगर ये एंट्री ना करनी चाहो तो भी चल जाएगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर, लेकिन ऐसा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा आपको पेपर में। तो अब बचा है केवल एक क्वेश्चन, जल्दी से नोट करो और बढ़ते हैं आगे। ऑल इन क्लास, तो इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, और क्या है वो क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ते हैं। क्वेश्चन सेज, ऑन 1 अप्रैल 2018 एयरड्रॉप लिमिटेड इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल एज फॉलोज, ऑन एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 4, आफ्टर 3 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट। भाई तो यहाँ पर डेट्स का कुछ इशू आने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, लेकिन अगर डेट्स हमको अलॉटमेंट की भी नहीं दे रखी तो बाकी हमको कोई परेशान होने वाली बात भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या दे रखा है, एप्लीकेशन फॉर रिसीट फॉर 6,50,000 शेयर्स, 5 लाख इशू कर सकते हैं, 6,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, मतलब प्रोराटा वाला ये क्वेश्चन मिल रहा है हमको। एंड कंपनी मेड अलॉटमेंट इन फुल टू द एप्लीकेंट्स हु अप्लाइड फॉर 50 और मोर शेयर्स एंड रिटर्न द मनी टू द एप्लीकेंट्स फॉर 1,50,000 शेयर्स। ओहो, 1,50,000 शेयर्स का पैसा वापस कर दिया जा रहा है। वन शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 10,000 शेयर्स पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट, मतलब ये हो गया एडवांस। एंड अनदर शेयर होल्डर डू नॉट पे Did not paid allotment money on his 15,000 shares, but which he paid with first and final call. मतलब ये first and final call के साथ उसने pay कर दिया, allotment पर pay नहीं किया था। Articles of association of the company provides to charge and allow interest on calls in arrear and calls in advance respectively. भाई calls in arrear का interest और calls in advance का interest भी हमारे syllabus में इस साल नहीं है, तो वो हम लोग take up नहीं कर रहे हैं। और बाकी हमको journal entry pass करनी है, बड़ा simple सा question मिल गया है भाई, तो चलो भाई बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से एंट्री पास करना शुरू करते हैं। पहले एप्लीकेशन की एंट्री पास करेंगे। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई है भाई, एप्लीकेशन आई है 6,50,000 शेयर्स की, 6,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, और एप्लीकेशन का रेट जो दे रखा है बेटा वो दे रखा है ₹3, तो ये आ गया 19,50,000। अगली एंट्री देखो, सेकंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक, क्योंकि पैसा वापस भी कर रहे हैं, 19,50,000 रुपीज मिले थे। कितने शेयर्स हम लोग इशू कर सकते हैं बेटा, हम लोग इशू कर सकते हैं केवल केवल 5 लाख शेयर्स, तो 5 लाख × 3 15 लाख तो यहां आ जाएगा, और वापस कर रहे हैं 1,50,000 शेयर्स का पैसा, तो इंटू 3 4,50,000 यहां आया, तो प्रोराटा वाली बात तो बनी ही नहीं क्वेश्चन में। अब हो गया क्वेश्चन बड़ा सिंपल, आगे बढ़ते हैं और इसके बाद क्या एंट्री है जरा वो देखते हैं। अब मांगते हैं हम लोग अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट पर कोई प्रीमियम नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। अलॉटमेंट, तो शेयर आप क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट कितने से मांगेंगे, 5 लाख शेयर से, और अलॉटमेंट है कितने रुपए का भाई, अलॉटमेंट क्वेश्चन में दे रखा है ₹3 का, तो 5,000 × 3 करेंगे तो ये आ गया 15 लाख। और ये आ गया हमारा 15 लाख रुपए। अभी क्या करने वाले हैं, इसको रिसीव करने वाले हैं। यहां पर कॉल्स इन अरियर भी है और कॉल्स इन एडवांस भी है, बहुत ध्यान से देखेंगे। फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrear debit to share allotment to calls in advance, तो ये एंट्री हो गई मजेदार भाई। ध्यान से देखियो, कितने पैसे मिलने थे अलॉटमेंट पर, 15 लाख। ये वो पैसे नहीं जो मोदी जी दे रहे हैं, ठीक है ना, 15 लाख मिलने थे। आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन में क्या हुआ है आगे पढ़ो। क्वेश्चन में ये बोल रखा है, वन शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 10,000 शेयर्स पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट मनी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है भाई, ₹4 का, और इसके पास शेयर्स कितने थे, 10,000। तो 10,000 × ₹4,
₹40 है ना भाई, मैं कंफर्म कर लेते हैं। यस, 10,000 इंटू 4 रुपए मतलब 40,000 रुपए उसने एडवांस में दे दिए। अब कॉल्स इन अरियर कितने की हो रही है जरा वो भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वन शेयर होल्डर, हाँ एक शेयर होल्डर है जिसके पास 15,000 शेयर्स है, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। 15,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो अरियर कितना हो जाएगा, 15,000 इंटू 3, 45,000 का हो गया अरियर। तो 15 लाख मिलने थे, 4 लाख और मिल गए, सॉरी 40,000 और मिल गए, तो 15 लाख 40,000, 45,000 नहीं मिले तो ये आ जाएगा 14,95,000। तो यहां लिखेंगे बेटा 14,95,000, ये बैलेंसिंग फिगर से निकाला है और लॉजिक से भी निकाल सकते हैं वैसे आप। फोर्थ एंट्री हो गई हम लोग की अलॉटमेंट तक की, अब कर रहे हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री। शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल एक साथ ही है, एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी लगाना मत भूलना, बार बार बोल रहा हूं भाई, ठीक है। फर्स्ट कॉल कितने शेयर से मांगनी है, 5 लाख शेयर्स हैं और फर्स्ट कॉल कितने की है बेटा, 4 रुपए की, तो 5 लाख × 4 ये हो गया 20 लाख। और आगे करते हैं रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बहुत ध्यान से देखना ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री गड़बड़ करोगे मैं बता रहा हूं आपको। बैंक अकाउंट डेबिट बहुत ध्यान से देखना, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू कॉल्स इन अरियर। अभी टू कॉल्स इन अरियर क्या है भाई, देखना हमको मिलने कितने हैं फर्स्ट कॉल पर 20 लाख रुपए, और हमको पहले ही कितने पैसे मिल गए हैं 40,000, तो यहां 40,000 लिख देते हैं। और हमको क्या लिखा है कि जो अलॉटमेंट पर कॉल्स इन अरियर हो गया था ना वो अब मिल जाएगा, तो कितना अरियर हुआ था 45,000 का, वो अब मिल जाएगा, तो यहां लिख दिया 45,000। अब जरा सॉल्व करो और यहां बताओ कितना आ रहा है, यहां आएगा 20,05,000। अब आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, 20,05,000 यहां पर हो गई हमारी फर्स्ट कॉल तक की एंट्री। अब बात करते हैं आगे क्या हो रहा है, आगे क्वेश्चन में क्या हो रहा है भाई, उसके बाद ये बोला है ओके, ना फोरफीचर है ना रीइश्यू है। ओ भाई ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो गया, ना फोरफीचर ना रीइश्यू, और यहां पर इंटरेस्ट भी सिलेबस में नहीं है, तो ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को सिलेबस में होता इंटरेस्ट तो ये क्वेश्चन मजेदार होता है, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है, 7th एंट्री भी नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो भी समझ में आ गया होगा। तो पूरे 10 के 10 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, एक वर्कशीट और दूंगा कब, एग्जाम टाइम के बीच में, वो 10 क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन दे दूंगा पहले से ही मैं आपको, वो कर लोगे और ये कर लोगे तो शेयर्स तो मतलब आप समझ लीजिए आपके लिए मक्खन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और पूरी कोशिश ये कर रहा हूं कि हर चैप्टर के ऐसे ही 10 क्वेश्चन लेकर आऊं और वो 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दूं। और जनरली आप कुछ अगर चाहो तो क्रैश कोर्स वाले बच्चों से रिव्यू ले सकते हो, क्रैश कोर्स जो मैं करवा रहा हूं उसमें इतनी ही ज्यादा पढ़ाई हम लोग रोज कर रहे हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास हो रही है। और अगर अभी भी लगता है किसी बच्चे को कि उसे क्रैश कोर्स करना चाहिए तो भाई तुम्हें 11 से 12 क्लासेस रिकॉर्डेड देखनी पड़ेंगी, अगर आप देख सकते हो तो आ जाओ साथ में पढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसी सारी चीजों करने के लिए भाई मैंने स्कूल भी छोड़ दिया है अभी, तो मैं फ्री हूं, पूरी कोशिश करूंगा हर चैप्टर के 10 क्वेश्चन बेहतरीन लेकर आऊं। लेकिन यहां पर मैं कॉन्सेप्ट्स दोबारा नहीं पढ़ा पाऊंगा, कॉन्सेप्ट पढ़ना है साथ में क्वेश्चन लगाने हैं आपको, तो आ जाओ क्रैश कोर्स में, कोई बात नहीं 10-11 क्लासेस रिकॉर्डेड देख लेना। और बहुत ही कम रेट में जेन्युइनली आपके लेकर आ रहा हूं मैं क्रैश कोर्स, अकाउंटेंसी का शुरू हो चुका है, इकोनॉमिक्स के 2 क्लासेस हो चुकी हैं और कॉमर्स का बहुत ही जल्दी लॉन्च कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग।